आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मच्छरदानी का निर्माण। अगर आप कोई रोजगार करना चाहते हैं या किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं और उसी में उस रोजगार के साथ कुछ अन्य रोजगार करना चाहते हैं तो आप इस रोजगार के बारे में एक बार सोच सकते हैं। ये मच्छरदानी निर्माण हम आए हैं वहाँ पे जहाँ पे एक कारखाना है जिसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। वे मच्छरदानी यहाँ पे मच्छरदानी का निर्माण कराया जाता है। तो आप देखिए इस तरह का जो मच्छरदानी होता है, आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉस्किटो नेट, और आप देहाती भाषा जो कि ग्रामीण भाषा में मुसहरी भी बोला जाता है। तो आपके क्षेत्र में कौन सा भाषा में इसे संबोधित किया जाता है वे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे मच्छरदानी कहते हैं, जहाँ पे निर्माण होता है मच्छरदानी कहते हैं, मॉस्किटो नेट कहते हैं। तो अभी यहाँ पे आए हैं, निर्माण मच्छरदानी का हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिला कारीगर लोग हैं वे लोग सी रही हैं, यहाँ पे पुरुष भी सीते हैं। इस तरह का और भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट रोजगार में जाकर मच्छरदानी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह का निर्माण कराया जाता है, ये निर्माण किया जाता है इस तरह से। यहाँ पे पट्टी जोड़ा जाता है जिसे चांदनी बोलते हैं। तो ये चांदनी हम बात करते हैं, ये क्या बना रही है अभी आप, घेरा का ऊपर का, यानी कि मच्छरदानी के ऊपर वाला भाग हम आपको दिखाएंगे। वे चांदनी बनाया जा रहा है, उसमें पट्टी लगाया जाता है। देखिए इस तरह का पट्टी लगता है ऐसे, और इसको बनाने के कई प्रोसेस है। इस रोल को खोला जाता है, उसको खोलने के बाद उसे साइज के अनुसार से कटिंग किया जाता है, और कटिंग करने के बाद जो है तीन चार प्रोसेस होते हैं। पहले चांदी बनाए जाते हैं, फिर घेरा मारा जाता है, फिर उसमें जो कपड़ा लगता है, एक कपड़ा लगाया जाता है, ये आप देख रहे होंगे, एक कपड़ा लगाया जाता है नीचे की ओर। और कई मच्छरदानियाँ ऐसे होते हैं जिसमें कि कपड़ा इंक्लूडेड होता है, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे जो है निर्माण हो रहा है, और ये जो है देखिए एक तरफ आप चांदी बनाते हुए देखें, अभी आप क्या कर रही हैं, चांदनी पर ऊपर घेरा लगा रहे हैं। इस तरह से जब चांदनी बन गया तो यहाँ पे घेरा बनाया जाता है, चारों तरफ घेरा बनाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे बताएंगे भी। तो इस तरह से जो पट्टी लगाने के बाद उजला जो आपको दिख रहा होगा, उजला से घेरा बनाया जाता है। तो ज्वाइंट करके चारों तरफ से एक घर नुमा बना दिया जाता है, ताकि किसी तरह से जो मच्छर हो, मॉस्किटो नेट हो, मच्छर उसके अंदर जब आप आराम कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, तो आपको परेशान ना करे। तो इस तरह से काफ़ी क्वालिटी बेस्ड इस तरह से देखिए यहाँ पे चेकिंग किया जाता है कि जो साइज अगर कमिटमेंट किया गया है कस्टमर के साथ कि फलाने साइज को, तो इस तरह से बनने के दौरान ही उसको चेक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे चेक इन हो रहा है कि सही साइज उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रहा है, अगर साइज में कमी हो रहा है तो उसको बताया जाता है। हम बात करते हैं इसे, क्या आप कर रहे हैं इसमें, हम लोग जो मच्छरदानी बनाते हैं उसको मैंने फेस टू फेस मैंने काम को देखते हैं, सिलाई का जो मक्सा देखते हैं, सिलाई बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ, साइज वाइज नापते हैं, बहुत मैंने इंची टेप से जो अभी नाप रहे हैं, तो साइज कस्टमर को दिए तो साइज फुल उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, तो ये सब है। तो गुणवत्ता इसे कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है आपका प्रोडक्ट का जो सही उतरे। तो देखिए इस तरह से नापा जाता है, मतलब 100 पीस है तो दो चार पीस नापने के बाद उसको तय कर दिया जाता है कि नहीं सही उतर रहा है, कहीं गड़बड़ी नहीं हो रहा है। तो ज़रा इसको खोल के दिखाइए कि लोगों को हम दिखाएं ज़रा कि कैसा होता है, किस तरह से बनता है, निर्माण होता है। तो एक हम आपको मच्छरदानी को जो पूरा है वो दिखा रहे हैं कि बनने के बाद किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप जब यूज करेंगे तो इसी तरह का दो ए साइज जो है ये बना हुआ है, इस तरह से बना यहाँ पे, यही चांदनी बोला जाता है, ये जो देख रहे थे आप इसको जो बोला जाता है यही चांदनी होता है। और इस तरह से जब भी वीडियो में हम दिखाएं एक घेरा बोला जाता है, जो घेर के नीचे मतलब यहाँ से ज्वाइंट होता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ से ज्वाइंट होता है। इस पार्ट से ज्वाइंट होने के बाद ये देखिए ये जो पूरा आपको दिखा रहे हैं ये घेरा का ज्वाइंट होता है, जिसके बाद जोड़ जोड़ कर मतलब कि कटिंग करने के बाद उसको जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद घेरा होता है नीचे में है, और इसी को लगाने के बाद आप आराम से यानी कि चैन की नींद जो कहते हैं, तो चैन का नींद जो है वो सो सके, यानी कि जब आप लगाएं इसके लिए बीमारी से मलेरिया डेंगू इस तरह का, तो आप इसको इस्तेमाल करते होंगे, अगर ना भी करते हैं तो इस्तेमाल कीजिए।
तो इस तरह से जो है ये देखिए आपको पूरा दिखा रहे हैं हम आपको व्यू मच्छरदानी निर्माण का, इस तरह का मच्छरदानी जो तैयार होता है यहाँ पे। तो अगर आप मच्छरदानी का व्यवसाय करना चाहते हैं, अगर होलसेल में करना चाहते हैं, अगर ट्रेडिंग के रूप में यानी कि बना बनाया इस तरह से बना बनाया मच्छरदानी आप ले जाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे आप मोबाइल नंबर होगा उन पे फ़ोन कर सकते हैं। राजेश जी हैं हमारे साथ, लोग अगर संपर्क करना चाहे आपसे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए हम अपना नंबर दे देते हैं, जरा नंबर बता दीजिए। 700-480-8287, एक और नंबर है 930-846-0810। तो आपने सुन लिया, इनसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर आसानी से देख सकते हैं और कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो आके यहाँ विजिट कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी हम आपको डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन से बात कर सकते हैं, उनका एक और वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस तरह, अगर आप बड़े पूंजी लगाकर इसका निर्माण करना चाहते हैं तो वे भी आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसका रोल जो आता है, रोल के माध्यम से आप उसको सिलाई करवा सकते हैं। सिलाई करने के बाद अगर आपके पास कारीगर हो तो उसको सिलाई करवा सकते हैं। सिलाई करने के बाद जो है आप उसको बाजार में होलसेल बेच सकते हैं, रिटेल को बेच सकते हैं, इस तरह से बेच सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे राजेश जी कि अगर व्यापार करना चाहते हैं तो किस तरह से इनको संपर्क कर सकते हैं, किन कैसे आप कौन सा व्यापार करेंगे तो ये आपको माल को पूर्ति कर सकते हैं। तो राजेश जी ये बताइए कि आप जो है कस्टमर को जो है कैसे, मतलब किस तरह से ट्रेडिंग में आप दे सकते हैं, या जो लोग मतलब बना बनाया माल लेकर जा रहा हो, कोई अगर कॉल रोल लेना चाहते हैं तो उनको भी रोल दे देंगे, रोल दे देंगे। नीचे का कतरन आता है, पीता आता है, मशीन आता है, सब चीज़ हम लोग दे नहीं देंगे। उससे पहले बता दीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेडिंग करना चाहता है, जैसे आप बना बनाया माल आपके पास से लेना चाहता है और ले जाकर वो खुदरा में या होलसेल में बेचना चाहता है तो उसके बारे में बता दीजिए। हाँ तो वो सब तो इजीली बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब माल रेडी किया हुआ रहता है, ले जाइए लोग, कस्टमर ले जाता है, बेचता है लोग। अगर जो लोग खुद का निर्माण करवाना चाहते हैं, खुद निर्माण करते हैं तो उनके लिए क्या आप मतलब उनको जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे जाली हो गया, जो फीता लगाया जा रहा है, वो कपड़ा लगाया जा रहा है, वो तो उसको बोलते क्या क्या है जरा वो बोलाइए। जाली कितने प्रकार के होता है वो थोड़ा सा बता दीजिए। जाली बहुत तरह का है ना, अब उसमें है कि कस्टमर को सस्ता चाहिए तो सस्ता जाली देंगे, माने मच्छरदानी का कम कॉस्ट वाला चाहिए तो कम कॉस्ट वाला जाली देंगे, वो बढ़िया चाहिए तो बढ़िया, उससे भी बढ़िया चाहिए तो उससे भी बढ़िया, बहुत तरह का जाली आता है, उसमें हिसाब से कस्टमर को ऊपर होता है। यानी कि कोई लोग, कोई जो व्यक्ति अगर व्यापार को अपने पूंजी लगा कर करना चाहता है कि हम ले जाकर अपने घर पे निर्माण करवाएं तो उनका भी आपूर्ति आप कर देंगे। हाँ हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि राजेश जी जो थे अभी बात किए जिनसे, तो अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, मच्छरदानी का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस तरह का जो जाली होता है ये आप इनसे भी ले सकते हैं, या तो बना बनाया ले सकते हैं, अगर निर्माण करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये कतरन बोला जाता है, ये बॉर्डर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कतरन बोलते हैं, बॉर्डर इसको बॉर्डर बोलते हैं, पॉपलिन बोलिए, कतरन बोलिए, किस तरह का कपड़ा जो कटिंग में होता है, कटिंग में ही मिल जाएगा आपको, काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस तरह के जाली, कई प्रकार के जाली जो होते हैं वे जाली आपको मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ फीता, उजला वाला जो फीता है, इसका अलग रोल है क्या, जरा वो दिखाएंगे क्या आप किस तरह से आता है? हाँ देखिए, इस तरह का ये रोल आता है, ये फीता, यही खोल, इसी को खोलने के बाद आप कैसे खोलते हैं जरा वो खोल के दिखाइए। देखिए इस तरह से खुल गया, खोलने के बाद वो अगर आपके पास जो कारीगर होंगे उनको नॉलेज होगा तो इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर लगा दिया जाता है। ये देखिए फीता लग गया, तो ये फीता वो आपने सुन लिया, इनसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर आसानी से देख सकते हैं और कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो आके यहाँ विजिट कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि लोग रोज़गार को लेकर परेशान हैं, जो लोग भी रोज़गार चाहते हैं वे लोग रोज़गार कर सके, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।